राधे राधे आप सभी को। आज मना रही हूँ मैं अपने कान्हा जी की छठी। तो जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके 6 दिन बाद हम छठी मनाते हैं ना, वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। तो सबसे पहले उनको जो है घी से मालिश किया जाता है और उसके बाद दूध में 3 डुबकी लगवाई जाती है। अगर आप डुबकी नहीं लगवा सकते तो आप सिंपल दूध से उनको स्नान करवा दीजिएगा और फिर उस दूध को जो है आपको यूज़ करना होता है प्रसाद स्वरूप, आप किसी भी रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्नान करवाकर इत्र लगाकर नई पोशाक पहनाई जाती है। तो पहले तो मैंने देखिए हैवी सी पोशाक निकाली थी, लेकिन फिर मन में भाव आया कि नहीं ये तो काफी हैवी हो जाएगी और अभी तो हमारे बाल गोपाल छोटे से ना इसमें कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो मैंने ये जो ड्रेस जो अभी पहनी है येलो वाली, जस्ट 1 घंटे पहले मैंने ये बनाई थी और मैंने यही पहना दी। उसके बाद ये हमारे रिवाज होती है छठी वाले दिन जो है हम तिलक लगाते हैं बच्चे को काजल का, मतलब कि स्पेशली ताकि उनको नजर ना लगे तो हाथ पैरों पर और आंखों में उनको काजल लगाए और उसके बाद जो काजल बचते हैं उसे हम खुद भी यूज कर सकते हैं और फिर कान्हा जी पर हम न्योछावर करते हैं। और ये जो पैसे होते हैं या तो हम दान कर सकते हैं या फिर अपने ही लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी उनकी जरूरत का सामान ला सकते हैं। उसके बाद बनाया मैंने भोग और आज मुख्य रूप से कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। वैसे आप कोई भी फल या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू से किया फ्रेंड्स और जितना मुझे पता है मैं उतना ही करती हूँ। और उसके बाद कान्हा जी को झूला भी जरूर से झुलाया जाता है। सब काम हमने कर दिए और जो छठी है ना वो हम शाम के टाइम मनाते हैं, लेकिन अगर आप कोई वर्किंग वूमेन है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सुबह के टाइम भी अपने कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। और उसके बाद सब लास्ट में मैंने अपने किचन को भी सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे सिंपल तरीके से मैं तो अपने कान्हा जी की छठी मनाती हूँ, आप लोग कैसे मनाते हैं जरूर से बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।